नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चकाचक एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके सामने बॉलीवुड के एक ऐसे फिल्मी गाने से जुड़ा किस्सा ला रहे हैं जिस गाने ने उस दौर की फिल्मी दुनिया में आग लगा दी थी, जिसकी वजह से उस वक्त की मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का विरोध भी हुआ, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी। माधुरी दीक्षित से जुड़ा ये किस्सा इतना रोचक है कि लोग इसे आज भी याद करते हैं। ये बात सन 1988 की है, जब फिरोज खान की फिल्म दयावान में माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना के बीच एक किसिंग सीन फिल्माया गया था, जिसे अब तक बॉलीवुड का सबसे हॉट किस सीन कहा जाता है। विनोद खन्ना उन दिनों इस बात के लिए मशहूर थे कि वे अपने किरदार में इतना डूब जाते हैं, लगता है जैसे सब कुछ सच में हो रहा हो। ऐसा ही कुछ उस सीन में भी हुआ था। कहते हैं कि विनोद माधुरी के साथ रोमांटिक सीन करते वक्त इतने बेकाबू हो गए थे कि उन्होंने एक्ट्रेस के होठ ही चबा डाले थे। इस सीन की वजह से फिल्म के सेट पर जबरदस्त हड़कंप मचा था। सीन खत्म होने के बाद माधुरी दीक्षित विनोद खन्ना से जबरदस्त नाराज हुई थी और विनोद खन्ना को भी अपनी गलती पर पछतावा हुआ, इसलिए उन्होंने माधुरी से माफी भी मांगी। लेकिन फिल्म शूट होने के बाद जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई तो उस रोमांटिक सीन को लेकर माधुरी के बारे में लोग भला बुरा कहने लगे। तब माधुरी ने फिरोज खान को नोटिस भेजकर इस सीन को फिल्म से हटाने को कहा, लेकिन फिरोज खान ने ये कहकर माधुरी की बोलती बंद कर दी कि सीन के लिए ही आपको 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। दोस्तों, शायद आप नहीं जानते होंगे कि माधुरी दीक्षित को 80-90 के दशक की लेडी अमिताभ बच्चन भी कहा जाता था। उस समय किसी और एक्ट्रेस को इतनी फीस नहीं दी जाती थी जितनी माधुरी दीक्षित को दी जाती थी। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि फिल्म दयावान में विनोद खन्ना के साथ किसिंग सीन फिल्माने के लिए डायरेक्टर फिरोज खान ने माधुरी को 1 करोड़ रुपए की रकम दी थी, ताकि वो बाद में किसी बात को लेकर नानुकार ना कर सके। इस फिल्म की बात की जाए तो उसकी कहानी में कुछ खास दम नहीं था, लेकिन फिल्म में माधुरी और विनोद खन्ना के बीच फिल्माए किसिंग सीन ने बवाल मचा दिया था। इस सीन के बाद एक और जहां माधुरी की आलोचना होने लगी, लेकिन वहीं चर्चा में रहने के कारण उनको एक अलग पहचान भी हासिल हुई। फिरोज खान ने खुलासा किया कि इस फिल्म में पहले श्रीदेवी को साइन किया जाना था, लेकिन तब कॉस्ट्यूम और टाइमिंग इश्यूज के चलते श्रीदेवी ने फिल्म करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद फिल्म में भारी भरकम अमाउंट देकर माधुरी दीक्षित को साइन किया गया। तो दोस्तों, ये था बॉलीवुड का वो किस्सा जो उस दौर में लंबे समय तक सुर्खियों में रहा। हमें उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें।